नमस्कार सभी को। आज हम बीए प्रथम वर्ष में अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार शब्द अलम क्रोतिति द्वितीय अलंकार है, जो शब्द और अर्थ में चमत्कार पैदा कर देता है, इसे अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम उपसर्ग क्रीधातु से अलंकार शब्द बनता है। जो करने वाला उसको कार कहा जाता है। ऐसे तो अलंकार शब्द के दो अर्थ हैं, एक शाब्दिक अलंकार जो काव्य के अंदर शब्द और अर्थ की सुंदरता में अभिवृद्धि करते हैं, उनको अलंकार कहते हैं। और दूसरा अलंकार का अर्थ है आभूषण, जिस प्रकार से आभूषण मानव सौंदर्य में चमत्कार पैदा कर देता है, मानव सौंदर्य में चार चांद लगा देता है, ठीक इसी प्रकार से अलंकार भी काव्य के अंदर काव्य के शब्द और अर्थ को बहुत सुंदर तरीके से चमत्कृत कर देते हैं, इसलिए इनको अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार नंबर एक, शब्दालंकार इनसे शब्दों में चमत्कार पैदा होता है। नंबर दो है अर्थालंकार, अर्थालंकार में है जो शब्द के अर्थ में चमत्कार पैदा करते हैं। और कुछ अलंकार उभयालंकार भी कहलाते हैं, जो शब्द में भी अलंकार चमत्कार पैदा करते हैं और साथ साथ शब्द के साथ अर्थ में भी चमत्कार पैदा करते हैं। तो इन अलंकारों में चार मुख्य रूप से शब्दालंकार हैं और सारे अर्थालंकार हैं। और शब्दालंकार में सबसे पहले हम यमक अलंकार को देखेंगे। यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार परिभाषा, अर्थे सत्यर्थ बिना नाम, अर्थे सत्यर्थ बिना नाम, अर्थे सत्यर्थ बिना नाम, अर्थे सत्यर्थ बिना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति यमकम, वर्णा नाम सा पुनः श्रुति यमकम। अर्थात अर्थे सति अर्थ हो, अर्थे सति अर्थ हो, अर्थे सति अर्थ होना चाहिए।